वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अन्नदाताओं के कल्याण के लिए काम करने लगे। किसानों के लिए मोदी सरकार की योजनाओं का असर अब दिखने लगा है। खेती से जुड़े लोगों का जीवन बेहतर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का लक्ष्य किसानों की आय को दुगुना करना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार एक के बाद एक योजनाएं बनाकर उसे धरातल पर उतार रही है। इन योजनाओं का असर अब भारतीय मसाला कारोबार में भी दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुचारू और संगठित नीति के कारण भारतीय मसालों की मांग विश्व भर में बढ़ती रही है और निर्यात में जबरदस्त उछाल भी देखने को मिला है। पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल में हल्दी, अदरक और केसर के निर्यात में 192% की वृद्धि हुई है। अप्रैल मई 2013 में इन तीनों मसालों का निर्यात जहाँ 260 करोड़ रुपए का हुआ था, वहीं अप्रैल मई 2022 में ये बढ़कर बता दें कि 761 करोड़ टन रुपए हो गया है। मसाला उन कृषि उत्पादों में आता है जिनके उपयोग से भोजन को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली गुणवत्ता पूर्वक मिट्टी से सभी प्रकार के मसालों की खेती होती है। भारत में उगाए गए मसालों का स्वाद भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इनके अद्भुत स्वाद और सुगंधित की वजह से भारत में मसालों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश में कुल 938,955 टन हल्दी का उत्पादन हुआ था, जिसमें से दिसंबर 2019 तक 115,000 टन का निर्यात हुआ। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन भारत में ही होता है, जो कि कुल वैश्विक उत्पादन का करीब 60-70% है। वित्त वर्ष 2020-21 में हल्दी का निर्यात 15% बढ़ने का अनुमान जताया गया था। हल्दी अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों की वजह से महामारी के दौर में काफ़ी लोकप्रिय हुई, इस वजह से उसकी निर्यात मांग भी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान मात्रा के आधार पर निर्यात में 42% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ये मसाले की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान हल्दी और काली मिर्च आदि का उपयोग करके बनाए जाने वाला सुनहरा दुग्ध इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अधिक खाए जाने वाले व्यंजनों में शामिल हो गया है। वहीं हमारे दैनिक जीवन में हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान है। हल्दी मसाले वाली फसल है। इसका उपयोग हमारे देश में अनेक रूपों में किया जाता है। औषधीय गुण होने के कारण इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में, पेट दर्द व एसिडिटीज व चर्म रोगों के उपयोग में भी किया जाता है। ये रक्त शोधक होती है। वहीं कच्ची हल्दी चोट सूजन को ठीक करने का लाभ भी करती है। वहीं जीवाणुनाशक गुण होने के कारण इसके रस का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। प्राकृतिक एवं खाद्य रंग बनाने में हल्दी का उपयोग होता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से इम्यूनिटी बूस्ट करने की सलाह दी जा रही, इसी कारण हल्दी को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत में हल्दी निर्यात के लिए मध्य पूर्व के देशों, अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से हल्दी की मांग बढ़ी है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और हॉटलैंड के रिटेल चेन्स में भी हल्दी की मांग बढ़ी है। अब बता दें कि जिसके बाद ये ट्रेंड वैश्विक स्तर पर भी बढ़ा है। ताज़ा हल्दी की मांग करीब 5 गुना तक इसमें इजाफा देखने को मिला है। हल्दी का इतना ही अधिक उपयोग होने के कारण इसकी बाजार मांग भी अधिक है, जिससे किसानों को इसके अच्छे भाव मिलने की संभावना अधिक होती है। भारत में हल्दी की खेती प्राचीन काल से की जा रही है। किसान इसकी खेती कम खर्च के करने के अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। विश्व में हल्दी के उत्पादन में भारत का मुख्य स्थान है, जिसके कारण इसका निर्यात भी किया जाता है। देश के सभी राज्यों में इसकी खेती होती है। दक्षिण भारत और उड़ीसा में इसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है। हल्दी की खेती 6 या 7 महीने होती है। 1 बीघे में हल्दी की 2 क्विंटल बीज लग जाते हैं, जो 1500 से 1800 रुपए क्विंटल मिलता है। वहीं 4 से 5 पानी लगाने पड़ते हैं। पेड़ से पेड़ की दूरी 1 फीट रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी 1 फीट होती है। 1 बीघे से अंत तक की 6,000 से 7,000 रुपए की लागत आती है। 1 बीघे में कच्चा माल लगभग 25 से 30 क्विंटल निकल आता है, जिसका रेट 2500 से 3,000 के बीच होता है। 1 बीघे में लगभग 1 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। हल्दी की खेती के लिए रेतीले और दामोदम भूमि अधिक उपयुक्त होती है। बता दें कि देश में स्थिति विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के द्वारा अधिक उपज देने वाली रोग रोधी किस्में विकसित की गई हैं, जिनमें रोमा, सुरमा, रंगा, रेशमी, पीताम्बरा, कोयम्बटूर, सुर्णा, सुगना, सिलांग, कृष्णा, वहीं गुंटूर एवं मेघा आदि किस्में प्रमुख हैं। वहीं भारत दुनिया में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो सालाना 1.5 से 2 मिलियन टन के बीच उत्पादक करता है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का 40-50% है। अदरक स्वाद बढ़ाने के साथ ही औषधीय गुणों से भरपूर है। भारत चीन के लगभग 2 गुना उत्पादन करता है और हम एक बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादन का
का उत्पादन करते हैं। इसका उपयोग मसालों के रूप में सब्जी, अचार आदि में किया जाता है। वहीं कोरोना महामारी के बाद विश्व भर में अदरक की मांग लगातार बढ़ी है और भारतीय अदरक का एक बड़ा हिस्सा एशियाई और अफ्रीकी देशों को निर्यात किया जाता है। इसके साथ ही इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, तुर्की और मिस्र भारत के सबसे प्रमुख आयातक हैं। इन देशों के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोपीय बाजारों में काफ़ी अच्छी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। घरेलू बाजार में ज़्यादातर ताज़ा अदरक का सेवन किया जाता है। उत्पाद का लगभग 10 से 15% में परिवर्तन किया जाता है, जिसका अधिकांश भाग विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है। कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद दुनिया भर में अदरक की मांग काफ़ी बढ़ गई है। वहीं पिछले सीजन की तुलना में भारतीय अदरक का उत्पादन बढ़ा है और पिछले 5 वर्षों में उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है। इस सीज़न में मौसम की स्थिति अच्छी है, इसलिए इस सीज़न में अच्छी मात्रा की उम्मीद की जा रही है। उत्तरी भारत में यदि केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड के दर्ज पर खेती की जाए तो अधिक लाभ कमाया जा सकता है। क्षेत्र के हिसाब से यदि उत्पन्न बीजों का चयन किया जाए तो 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक फसल प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय अदरक का मौसम अक्टूबर के मध्य में शुरू होता है और लगभग अप्रैल तक चल सकता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अदरक की मांग तेजी से गति पकड़ रही है। वहीं अफगानिस्तान और ईरान के बाद भारत केसर उत्पादन और निर्यात के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। लाल सोने के नाम से मशहूर केसर की खेती मई में शुरू होती है और अक्टूबर तक फसल पक कर तैयार हो जाती है। भारत में लगभग 5,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। अफगानिस्तान में तालिबान संकट के बाद भारत से निर्यात होने वाले केसर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसमान छू रही है। जिस केसर की कीमत कुछ समय पहले तक 1.4 लाख रुपए प्रति किलो तक थी, वह अब लगभग दोगुना भाव पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक रही है। वहीं जम्मू कश्मीर कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में औसतन 17 मीट्रिक टन केसर की पैदावार हर साल होती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में केसर की पैदावार भी पिछले साल में काफ़ी बड़ी है। इसमें राष्ट्रीय केसर मिशन महती भूमिका इसमें निभाया है और साथ ही केसर की खेती का फसल चक्र 3 से 4 महीने का होता है और ये 15 से 20 सेमी की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। केसर की खेती के लिए अच्छी खासी धूप की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।